सत श्री अकाल जी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईआरसी की तरफ से अपडेट आया है, कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से अपडेशन आई है, न्यू अपडेट आई है कि ऑनलाइन परमानेंट रेजिडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल अलाउड अथॉरिटी इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव टू सबमिट आपकी पीआर की जो रेजिडेंट एप्लीकेशन है वो बाया बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। जो अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो नया पोर्टल स्टार्ट करा जा रहा है सितंबर से, तो ऑनलाइन पोर्टल है तो सितंबर 2021 से ये पोर्टल स्टार्ट करा जा रहा है। अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि जो भी कोई एजेंट है वो क्या बोलते हैं, लीगलाइज होना चाहिए, आईआरसी से प्रूव्ड होना चाहिए है, वो आपके बिहाफ पर आपकी ऑनलाइन फाइल लॉन्च कर सकता है। तो न्यू परमानेंट रेजिडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, ये कल ही अपडेट आई है आईआरसी की तरफ से। तो बहुत अच्छी अपडेट है कि अब आप ऑनलाइन अपनी इमिग्रेशन की जो पीआर की फाइल है वो लगा सकते हैं। नॉन एक्सप्रेस एंट्री ऑन ये है टू सबमिट, ये लिखा हुआ है। देखिए, लॉन्च न्यू परमानेंट रेजिडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि पीआर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सबमिट परमानेंट रेजिडेंट नॉन एक्सप्रेस एंट्री ऑनलाइन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स फॉलोइंग सॉफ्ट लॉन्च इनिशियल टेस्ट। तो ये जो है, जो पीआर की ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हो गया अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सितंबर 2021 तक है। तो इसका आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, सॉरी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो रिप्रेजेंटेटिव टू एबल हैं, जो पीआर की ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लाएंगे तो मैनेज कर सकते हैं एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, सिंगल अकाउंट के साथ मल्टीपल क्लाइंट्स की परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन टीम वो लगा सकते हैं, जो विच पेपर बेस हुआ करता था। तो पेपर बेस एप्लीकेशन विल बी रिमेनिंग अवेलेबल है फॉर दोज हु नीड, इनके लिए। तो पीआर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल नॉट कॉन्टैक्ट द अथॉरिटी पेड रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल। तो एक क्रिएट करना पड़ेगा पीआर ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन, तो रिप्रेजेंटेटिव विल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग देयर मेंबर कार्ड बिजनेस एड्रेस नेम दे नीड विल ऑपर वैलिड कॉपी ऑफ देयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वैलिड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट रेजिडेंट। तो ये अपडेट आई है, तो ये सितंबर से स्टार्ट होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप चेक भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो अगर आप ECA कराना चाहते हो या किसी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं IQS, WES, ICS, ICAS और SS के लिए। तो अगर आप NNS की प्रोसेसिंग कराना